कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों का कांग्रेस विधायक दल की बैठक से दूर रहना और सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। कांग्रेस के 4 असंतुष्ट विधायक शुक्रवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद येदियुरप्पा की यह टिप्पणी सामने आई है। यह बैठक कांग्रेस ने अपनी ताकत के प्रदर्शन के इरादे से और एसडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जनता दल सेकुलर की सरकार को गिराने के भाजपा के कथित प्रयास के खिलाफ बुलाई थी। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी और गठबंधन सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में कुछ विस्फोटक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी गैर मौजूदगी कांग्रेस विधायकों के प्रचंड गुस्से और रोष को दिखाती है। भाजपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने जिस लहजे में पार्टी विधायकों को चेतावनी दी उससे उनकी हताशा और डर का पता चलता है। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि सिद्धरामैया और वेणुगोपाल अपने राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें और यह पता करें कि हरियाणा में क्या हुआ था जब कांग्रेस ने जनता पार्टी के 36 विधायकों की मदद से भजन लाल की सरकार बनाई थी। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने ही यह संस्कृति शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया ये भूल गए हैं कि वह भी इसी संस्कृति के तहत कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा को सत्ता का लालच नहीं है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।